नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट लाइव और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि शाह फैजल को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि 370 को लेकर एक विवादित बयान उन्होंने दिया था। सीधे तौर पर संपर्क करेंगे अपने वरिष्ठ संवाददाता इश्वाक गौहर का। इश्वाक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बयान जो है वो शाह फैजल ने दिया। देखिए, शाह फैसल जिस दिन पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये बिल पास हुआ उसके बाद दिल्ली आए थे और दिल्ली में पिछले कई दिनों से वो यहाँ पर थे और यहाँ पर मुख्तलिफ मीडिया चैनल से भी वो बात कर रहे थे और अपनी रिजेंटमेंट जो है वो अपने सोशल मीडिया पर भी दिखा रहे थे। और अब उनका प्रोग्राम जो था वो अब्रॉड का था और आज जून वो एयरपोर्ट के लिए पहुंचे तो वहां पर उन्हें डिटेन कर दिया गया दिल्ली एयरपोर्ट पर। और रिपोर्टली वो जब बोर्डिंग के लिए जा रहे थे तो उस वक्त उन्हें जो है वो डिटेन कर दिया गया और फॉर्मर IAS अफसर को जो डिटेन करने के बाद बाजाबा तौर पर कुछ देर के लिए दिल्ली में रखा गया जिसके बाद उन्हें श्रीनगर भेजा गया। और अभी जो हमारे पास खबर है वो ये है कि उनके ऊपर जो है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है और लगातार शाह फैसल जो है उन्होंने जो बात अपनी लिखी थी वो लिखी थी कि दो ही रास्ते हैं, या तो आप गुलाम बनकर रह जाइए जिस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है या फिर आप सेपरेटिस्ट हो जाइए, आप यानी तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो लगातार वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और पिछले कई दिनों से लगातार वो मुख्तलिफ चैनल्स और मुख्तलिफ पोर्टल्स पर आ रहे थे, अपनी बात कह रहे थे और 370 जिस तरीके से मामला बनाया उस पर वो बात कर रहे थे। तो उन्हीं चीजों को लेकर ध्यान में रखते हुए आज सरकार ने ये क्रैकडाउन। इश्वाक, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इस तरीके से भड़काऊ भाषण देने का क्या मतलब है, क्योंकि जब धारा 370 35A को तोड़ दिया गया है उसके बावजूद भी माहौल जो है यहाँ पर सामान्य बना हुआ है, लेकिन शाह फैजल अगर इस तरीके से बयानबाजी करते हैं तो कहाँ तक जायज है? देखिए, अभी जहां तक शांत माहौल की हम बात करें अभी सर्टिफिकेट देना मुश्किल होगा कि क्या शांत वाकई तौर पर माहौल है क्या नहीं है, क्योंकि अभी एसिड टेस्ट या बड़ा इम्तिहान जो है वो पीछे है। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके की व्यवस्था जम्मू के अंदर है, जिस तरीके की व्यवस्था कश्मीर के अंदर है, दो अलग अलग हमेशा एस्पिरेशंस रही है जम्मू के अंदर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एंटायर जम्मू के अंदर जो है वो सेक्शन 144 हटा दिया गया है, आहिस्ता आहिस्ता करके 5-6 दिनों में सारा रेस्टोर हो गया है एज कम्पेयर टू कश्मीर। वहां पर अभी भी सेक्शन 144 इम्पोज है, बहुत सी जगहों पर रेस्ट्रिक्शंस भी है, कुछ जगहों पर रेस्ट्रिक्शन हटाई गई है। असली इम्तिहान वो परसों से शुरू होगा जब 15 अगस्त की फंक्शन कल क्लोज होगी, परसों से रियल टेस्ट होगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कि कितना जल्दी नॉर्मल से यहाँ पर रेस्टोर होगी। क्योंकि आपको याद होगा आशा कि जब सरकार अपना बयान दे रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब ये कहा गया था कि रेस्ट्रिक्शन हटाइए अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है फोन लाइन्स को ऑन कीजिए, तो वहां पर यही बात सामने रखी गई थी कि कुछ वक्त अभी लग सकता है। तो ये वही चीजें हैं जो सरकार को अप्रेंटर के कुछ लीडर जो है वो रिवोल्ट कर सकते हैं, वो रिवोल्ट करवा सकते हैं। इसीलिए व्यवस्था जो है वो इस तरीके की बनाई जा रही है जहाँ जहाँ पर भी जरूरत है किसी को डिटेंशन। लेकिन इश्वाक, जिस तरीके से शाह फैजल यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं तो सीधे तौर पर यही सामने आ रहा है कि लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ठीक है, अपनी क्योंकि पॉलिटिक्स में अब है वो, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसे खामोश होकर वो कैसे बैठेंगे। सीधी सी बात है, अभी आप कल तक देख लीजिए सज्जाद गनी लोन जो बड़े क्लोज बीजेपी के माने जा रहे थे, लेकिन आजकल जब आप उनके तेवर भी देखेंगे या सुनेंगे तो वो एंटायरली डिफरेंट है। क्योंकि थोड़ा वक्त लगेगा मेन स्ट्रीम को भी ये बात समझने में कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि जिस तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है शायद पोलिटिकल पार्टीज को इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी जल्दी सर्जिकल स्ट्राइक होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इश्वाक पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता इश्वाक गौहर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरीके से बयानबाजी करना इन लोगों के हाथ में है और ये लोग लोगों को भड़काने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपको बताते चलूं कि शाह फैजल को अरेस्ट कर लिया गया, उनके ऊपर PSA लगा दिया गया है। आपको यह भी बताऊं कि PSA उन लोगों पर लगता है जो खतरा होते हैं, और साफ तौर पर जिस तरीके से यहां पर PSA शाह फैजल पर लगाया गया है तो जाहिर तौर से यहां सामने यही आता है कि लोगों को भड़काने का काम शाह फैजल यहां कर रहे हैं, जिसे लगातार नजरबंद करते हुए अरेस्ट ही हम कहेंगे कि अरेस्ट उन्हें कर लिया गया है क्योंकि विवादित बयान उन्होंने दिया है कि या तो आप गुलाम होकर रहिए या फिर सेपरेटिस्ट यहां पर बन जाइए। तो ये बहुत बड़ा बयान है, इस पर बहुत संज्ञान लेने की जरूरत है केंद्र सरकार को, क्योंकि एक तरफ आप 370 और 35A को हटाते हैं और दूसरी तरफ आप
अमन और शांति की बात भी करते हैं, लेकिन जो मेनस्ट्रीम जो लीडर्स हैं यहाँ पर, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो किस तरीके से बयानबाजी करते हैं, कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर आप लोग इस तरीके से बयानबाजी किस तरह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस मकसद से कर रहे हैं? क्योंकि धारा 370 35A को हटा दिया गया है, बावजूद उसके अगर शाह फैजल इस तरीके से बयानबाजी करते हैं तो इस पर बहुत संज्ञान लेने की जरूरत है। फिलहाल देखते रहिए JK News Point Live।